छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्रीन चौक पर आज AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का शिवसेना ने पुतला दहन किया। शिवसेना का आरोप है कि ओवैसी ने संसद में शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा बुलंद किया था। इस पर विरोध जताते हुए दुर्ग जिले के ग्रीन चौक पर ओवैसी का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं ने ओवैसी मुर्दाबाद के नारे लगाए और थाना प्रभारी मोहन नागर को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना दुर्ग के अध्यक्ष ने कहा कि ओवैसी का ये बयान भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है और अगर उन्हें फिलिस्तीन से इतना प्यार है तो उन्हें भारत छोड़कर वहीं चले जाना चाहिए। ओवैसी के इस बयान से देश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। दुर्ग और भिलाई में नहीं हो रहा, पूरे छत्तीसगढ़ घर में ये कार्यक्रम हो रहा है। क्यों? कि वो व्यक्ति कभी भी संविधान के हमेशा मजाक उड़ाता है। आज जितने भी वक्तव्य दिया उसने अभी से तभी तक, मतलब जब सांसद बना है, हमेशा हिंदू विरोधी नारे लगा करके और हिंदुओं को ही प्रताड़ित करने की कोशिश किया और हिंदुओं को जबरदस्ती भड़काने का काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं ऐसे व्यक्ति पे राष्ट्रद्रोह की धारा लगे और इनको विदेश भेजा जाए, या जहाँ ये गुण गा रहे हैं फिलिस्तान का या जो विदेश मुल्क है ना, तो वहाँ उनको भेजा जाए, तब उनको समझ आया। क्योंकि हम बात करते हैं भाईचारा की, ये भाई काटने की बात करते हैं लोगों ने, कभी इनके मुख से यही निकलता है कि हम 6 इंच कम कर देंगे। अरे माने दूध पिला, सामने आना भाई, तू और कितना कम करो, हम तो कम ही नहीं करेंगे, तो पूरे क्रियाक्रम कर देंगे उनका। तो शिवसैनिक हम दबते नहीं और डरते भी नहीं किसी से, क्योंकि यह उत्प्रांग करना हरकत बंद कर देंगे। हमारे संविधान नहीं मानेगा तो किसको मानेगा? वो क्या पाकिस्तान संविधान मानेगा? ये पूरा यहूदी टाइप का काम कर रहा है। वो ऐसा पजामा उठा लेगा, वो टोपी गोल लगा लेगा, अपने आप को बड़ा मौलवी समझता है। अरे बाहर निकल, बोला तू आने दुर्ग जिले हमारे छत्तीसगढ़ में, कहीं आ तू, हम तो बताते हैं तेरा कार्यक्रम क्या होता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।